तो सबको चाहिए, मनोरंजन की भूख कोई कृत्रिम भूख तो है नहीं, सामान्य भूख है। 2-4-5 घंटे कुछ भी काम करने के बाद मन हमारा बैठने लगता है, मन करता है कुछ रोचकता जीवन में होनी चाहिए। रोचकता के तरह तरह के उपाय हैं, से कुछ उपाय व्यक्ति के अपने लिए भी घातक हैं, समाज के लिए भी घातक हैं, कुछ हैं जो व्यक्ति और समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो जैसे अगर किसी को गांजा का सेवन करने की आदत पड़ जाए मनोरंजन के लिए, और 2 घंटे पढ़ते बोले कि लाओ चिलम लाओ चिलम लाओ, 2 घंटा होगा चिलम फूकेंगे, 2 घंटे हो गए हैं। अब भाई मनोरंजन सब कुछ, उसका मनोरंजन आता ही गांजे की चिलम से, तो वो बेचारा क्या करेगा, फिर कहेगा अब हम जॉइंट मारेंगे। यही होता है ना, जॉइंट ही बोलते हैं ना उसको। मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर जॉइंट मारने की परंपरा आजकल चलती है, जॉइंट मारेंगे, यही होता है ना जॉइंट। तो अब इससे क्या होगा अंततः, मतलब मैं जानता हूं कि आप लोग तो ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन इस हंसी से क्या समझा जाए, करते हैं मारा जॉइंट कभी है? मुझे जिसने बताया था एक लड़की ही थी वो, आपको लगा कि मारे ना चाहिए एक बार? नहीं, अच्छा, ये कह रही मारती होगी जरूरी है। मुझे ये बात पहली बार एक लड़की ने ही बताई, हिंदी साहित्य की स्टूडेंट ने बताया कि सर मैंने किसी मेरे जॉइंट मारा। मैंने कहा ये क्या होता है? मुझे ना किसी को मार दिया उसका नाम जॉइंट होगा, तो मैंने कहा ये क्या होता है? बोली आपको ही पता। मैंने नहीं, बोले सर आजकल ये चलता है। मैंने कहा क्या चलता है बताओ ना। तो उसने फिर पूरी विधि बताई कि किस विधि से हम उसे सेवन करते हैं। तो मैंने कहा कि कितनी बार? बोली एक ही बार किया, बहुत उस दिन बहुत निराश थी अपने जीवन से। तो मैंने उसके बाद निराशा बढ़ी है कम हुई? बोले उसको और बढ़ गई। तो मैंने फिर क्यों मारा जॉइंट? अब मेरे ख्याल से वो उससे बाहर निकल गई होगी जैसा उम्मीद है, बाकी पता नहीं क्या हुआ। तो उसने कहा कि ये बहुत कॉमन सी बात आ सकती है मतलब विद्यार्थियों के बीच में। तो मुझे बड़ी चिंता हुई इस बात से, सच में अगर ऐसा है तो। आप लोग तो खैर नहीं करते होंगे, लेकिन मैंने सुना है कि कुछ लोग और ऐसे हैं जो ऐसी चीजों में चले जाते हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? अगर कोई मनोरंजन के नाम पे गांजे का सेवन करता हो, उससे थोड़ा कम है तंबाकू गुटखा का सेवन करना। आप देखें कानपुर के आसपास के लोग जो हैं, कानपुर तो बेसिकली वो उसका गढ़ है ना, उस पूरे उद्योग का गढ़ है। आप वहां के लोगों को देखेंगे ना, वो हर आधे पौने घंटे के बाद कुछ ना भी हो हाथ में तो ऐसे होने लगता है उनका हाथ। अगर हाथ खाली भी हो तो उनका हाथ नहीं होने लगता, क्योंकि वो इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनको ये करना ही करना है हर 2 मिनट के बाद। तो मैंने कई लोगों को देखा, उनका हाथ अगर कुछ ना हो तो भी हिलता रहता है खास तरीके से, क्योंकि उनको उसकी आदत है। मनोरंजन का एक तरीका ये है, और भी बेहूदा तरीके हो सकते हैं, पर मनोरंजन चाहिए सबको। जब सबको चाहिए तो क्यों ना मनोरंजन स्वस्थ तरीके से हो। और स्वस्थ में क्या हो सकता है? कोई आपने बढ़िया फिल्म देख ली, कायदे की फिल्म, जिसको देखने के बाद आप पहले से बेहतर इंसान बन गए, मनोरंजन भी हुआ। थ्री इडियट्स देख ली जैसे, मनोरंजन हुआ और एक नया विचार लेके लौटे हैं, एक अच्छा भाव लेके लौटे हैं। ऐसी कोई फिल्म देख लें, कोई ऐसा संगीत सुन लें, ऐसा गीत जो सीधे रूह तक पहुंचता हो, आलू शालू ना करता हो बल्कि रूह तक जाता हो। और ऐसे ही यदि आपने कोई सुंदर सी कविता पढ़ ली, सुंदर सा उपन्यास पढ़ा, कहानी पढ़ी, और कहानी पढ़ के जीवन के दृश्य खुल गए आपके सामने, यही सच है, पढ़ते ही आपके मन से हजार तरह की गिल्ट फीलिंग दूर हो गई, कितना बढ़िया है। ऐसा जो स्वस्थ मनोरंजन है उसका जीवन में बहुत महत्व है। मैथिली बाबा कह गए हैं केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का ही मर्म होना चाहिए। उसी को बोलते हैं स्वस्थ मनोरंजन, जहां उपदेश भी हो, एक अच्छी बात सिखाने का भाव भी हो और साथ में मनोरंजन भी हो।